वेलकम टू माय चैनल जस्ट लाइव ब्लॉग में गाइस, आज हम जा रहे हैं थोड़ा ग्रोसरी लाने के लिए घर के लिए। और पहले तो हमारा प्लान बना था डीमार्ट जाने का, लेकिन शायद नहीं जा पाएंगे, दूर है थोड़ा। और यहाँ पे पास वाला रिलायंस फ्रेंड्स में जाने वाले हैं। ये देखो हम लिफ्ट में थे, अब हम नीचे आ चुके हैं, अभी थोड़ा पार्किंग एरिया में आ गए हैं। गाइस देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी है, कार, इसी में जाएंगे। गाइस आज भी लेट हो गया हमारा बाहर आने में, हम ऐसे ही करते हैं, जाने जाने को बोलते हैं। दोपहर में सो गए थे, बारिश के मौसम थी ना तो सो गए थे, अभी जाने वाले हैं। रात हो गया है 8 बजे, 8 बज गया शायद, हाँ 8 बज गया। अभी हम जाने वाले हैं, अभी देखो ड्राइविंग करने गए हीरो। मेरी बेबी ठीक है गाइस, अभी हम जाने वाले हैं। बेबी बेबी नमस्ते कर दो, नमस्ते नमस्ते कर, हेलो करे ना, हाँ ठीक है। अभी देखो गाड़ी में बैठ गए हैं गाइस, गाइस हम डी मार्ट बोल के रत्नदीप को आए, क्योंकि डी मार्ट में बहुत ज़्यादा रश रहता है और कोरोना के टाइम में हम उस पर नहीं गए, और उस पर हमारा कार्ड भी नहीं चलता है डी मार्ट में, जो हम ग्रोसरी वाला कार्ड रहता है ऑफिस वाले देते हैं वो कार्ड उस पर चलता नहीं है डी मार्ट पे, और उस पर भी नहीं गए। और बहुत भीड़ है, सब सेकेंड कारण है बहुत भीड़ रहता है उसमें, और पब्लिक प्लेस बहुत रहता है वहाँ पे, पब्लिक बहुत रहता है वहाँ पे, जो कि रिस्क है, और उस पर नहीं गए सोच के। फिर उससे भी ज़्यादा दूर आ गए हम, रत्नदीप में आ गए, डीमार तो पास में ही था लेकिन सोचा नहीं दूर हो तब चलेगा ना, वहाँ पे तो बहुत पब्लिक रहते हैं डीमार में। ये देखो हम ग्रोसरी देखकर सब चीज़ ले रहे हैं, क्या ज़रूरत है हमें क्या नहीं उसके हिसाब से हम ले रहे हैं। लगता तो है बहुत सारा सामान आज लेकर जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हस्बैंड को बोली हाथ हिलाओ तो हेलो बोलने लग गए, और कुछ फोटोस क्लिक करे। ये देखिए ये इसकी तो ज़रूरत नहीं है,
बहुत कुछ सामान लिया। देखिए बेबी कैसे सारा सामान लेकर अपने पास रख लेती है। देखिए आप एंजॉय करिए मेरे वीडियो को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करिए एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। ये मेरे फेसबुक से ये मेरे लिए लेकर आए, उसको एक एक सामान पकड़ा लेते ताकि वो उसका मन लगे रहे। क्या हुआ? अभी फ्रेंड्स ऊपर भी हम जा रहे हैं, नीचे ग्रोसरी के सामान मिल जाता है और ऊपर घर के प्लास्टिक मतलब बाल्टी वगैरह जग वगैरह सब कुछ मिलता है और बच्चों का खिलौना वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। घर के सामान बहुत अच्छा, ये देखिए इतना अच्छा सामान मिलता है। नीचे उन्हें ग्रोसरी मिलता है, ग्रोसरी के सारा सामान मिलता है और यहाँ पे प्लेट थाली जो भी चाहिए यहाँ पे देखिए डिब्बे वगैरह सब कुछ मिलता है ऊपर वाले सेक्शन में। और यहाँ पे गाइस एक बच्चे का खेलने का एक मतलब खिलौना भी है जिससे बच्चे खेलते हैं, झूला वगैरह, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके। अभी तो देखिए आप कितने अच्छे सामान ही देख सकते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी और बच थोड़ा रेट है पर चलेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हो तो अच्छे क्वालिटी का लेना चाहते हो तो पैसा तो पड़ेगा ही, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ मिल जाता है यहाँ पे। देखिए घर के सारा सामान कुछ भी ढूंढो सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। और कोई दूसरा शॉप को चेंज करने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है, सारा सामान यहाँ के घर के छोटे से लेकर बड़े चीज़ तो मिल ही जाते हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आओ तो पूरा बैलेंस आपका ही ख़त्म हो जाएगा। जितने भी पैसे लाए होंगे छोटे सोच के आए होंगे, थोड़ा सा ही लेंगे 2-3 हज़ार तक, लेकिन बिल होते होते 10 हज़ार तक तो हो ही जाता है गाइस। बहुत मतलब यहाँ पे पैसे खर्च हो जाते हैं क्योंकि अब छोटे से शॉप में जाएंगे तो जितना ज़रूरी है उतना ही लेके आते हैं, लेकिन इसके अंदर आओ तो अगर नहीं भी होगी ना तो सोच के अच्छा लगता है लेकर आ ही जाते हैं, यही प्रॉब्लम। और देखो ज़्यादा ही खर्च तो हो ही जाते हैं। देखती हैं, देखिए गाइस ये डस्टबिन ले रही हैं, उनके फ्रेंड के घर न्यू है ना, उनके लिए भी सामान लेने आए हैं, साथ में अपना भी हो जाएगा और उनके लिए भी ले जाएंगे ताकि अभी न्यू आएंगे तो ज़रूरी सामान तो चाहिए ही, डस्टबिन हो गया, बाल्टी, जग, ये सब तो चाहिए, चाकू वगैरह ये सब तो चाहिए, लेकर जाएंगे। देखो आगे गाइस मेरे वीडियो को, चलो ये देख गाइस बेबी को हमारे खिलौना मिल चुका है और वो खेलने में मस्त है, देख सकते हैं कितना एंजॉय करी। अभी गिरने वाली थी और मैं उसको पकड़ ली। देखिए अभी ये इसके लिए इस सब बहुत सारे खिलौने थे लेकिन इन्हीं में से यही इसी में ये बैठ गई क्योंकि यही है उसके लायक, ये भी नहीं है कहने का मतलब, इसमें भी गिर सकती है इसलिए इसको पकड़ के रखी थी।
अभी थोड़े बड़े हो जाएगी तो अच्छे से खेल सकते। देखिए कितनी इंजॉय कर रही है, यहाँ से उठने का भी नाम नहीं ले रही थी वो बाद में। बेबी खेलती कैसे खेल रही है वो, मजा कर रही है, बोलो मजा कर रही है। देखो कितने अच्छे से मजे कर रही है खेल के। यहाँ पे टॉयज है, टॉयज बहुत है बच्चों के लिए। यहाँ पे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनके लिए बहुत सारे खिलौने हैं जिसे वो झूले झूल सकते हैं और खेल सकते हैं। बड़े से बड़े बच्चे मतलब 8-10 ईयर्स तक के बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे, ये सबसे छोटा था इसलिए इसमें ये बैठी, और किसमें वो बैठ नहीं सकती, अभी छोटी है ना। और ये भी ऐसे सेफ नहीं है बैठी, और देखो कितना अच्छे से खेल रही है बेबी। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो कर रही है वो कान पे। अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, और रात के 10 बज गए और जाने के इरादे नहीं। बहुत सारे सामान ले रहे हैं, मतलब अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारे सामान की बहुत ज़रूरत है, अपने लिए भी और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है जो नया घर लिए उनके लिए भी सामान लेके जा रहे हैं। तो घर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेना पड़ता है, इसलिए बहुत चीज़ें ले रही, बहुत इंजॉय किया। और ये वाला ब्लॉग शायद बहुत लंबा जा सकता है क्योंकि मैं बहुत रिकॉर्डिंग की हूँ, देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, शॉर्ट करके भेजूँगी, नहीं तो देख सकती हूँ। रत्नदीप है मतलब नाम, इसमें ग्रोसरी बेबी बहुत कुछ, सब घर डेकोरेशन के चीज़ सारे कुछ मिल जाता है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स सब कुछ मिल जाता है, लेडीज प्रोडक्ट और बच्चों के टॉयज वगैरह सब कुछ मिलता है। क्या हुआ बेबी, चलेंगे चलेंगे? डाडा किधर है, डाडा किधर है, डाडा किधर है, डाडा डाडा किधर है, किधर दे दे, किसी दे दो, किसी दे दो बेबी, किसी किसी दे दो, ये कौन है, किसी दे दो बेबी, किसी दे दो। ओके ओके गाइस, अभी शूट कर रही हूँ, बाद में मिलते हैं अभी घर जाके, और 10 बज गए हैं अभी, 11 बजे मॉल बंद हो जाएगा, और ठीक है घर पे जाके बात करते हैं अभी, देख सकते हैं। बेबी उतर गई, देखो उतर गई, खेले बेबी। डाडा किधर है, देखो तो किधर है डाडा, किधर है डाडा को ढूंढते, किधर चले गए डाडा, बोलो डाडा। अभी गाइस इसके पापा किधर चले गए हैं सामान लेने के लिए, और हम जा रहे हैं नीचे, तो ट्रॉली में इसको बिठा लिया था लेकिन ऊपर लेके नहीं आए तो इसको उठाना पड़ रहा है। देख बेबी कितने डोल है, लेना तू बड़ी हो जा तेरे लिए अच्छे से ले लेंगे, देख तू अभी कोई खिलौने में तो खेलती नहीं। अभी देखो भीम और क्या इसका नाम, इसके भी कितने अच्छे अच्छे कार्टून से, कितना प्राइस है इसका, ₹400 का है, बहुत महंगी यहाँ पे चीज़ें मिलती है टॉयज वगैरह। अब जैसे नीचे जा रहे हैं बिल कराने के लिए, बहुत चीज़ होते हैं, दो ट्रॉली और दो हैंड ट्रॉली, नीचे जाते बिल बनाते हैं कितना हुआ। अभी सारा खाली हो गया है, पूरा शॉपिंग खाली
खाली हो गया है, कोई भी नहीं अभी तो। यहाँ पे देखो गाइस, रात के 11 बज गए थे, 11:15 को पूरा क्लोज कर देते ये शॉप, मतलब शॉपिंग ग्रोसरी मॉल। लेकिन 11 बज गए थे, पूरे स्टाफ्स भी चले गए थे घर पे, कम ही बच गए थे, 2-3-4 तक स्टाफ ही रहे थे और सारे घर चल गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारा कोई मतलब स्टाफ नहीं है जो एक बिल बना देगा और एक डाल देगा, तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे स्टाफ सारे चले गए घर, 11 बज गए हैं, 10 बजे चले जाते हैं कुछ और 11 बजे जाते हैं कुछ, तो इसलिए बोला कि नहीं मैं ही रख लेता हूँ। और गाड़ी पे 2-3 आदमी रख दिए थे सामान, और वहाँ पे तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई ना, तो इसलिए घर पे एडिटिंग करी। और रात के 11 बज गए थे और घर पहुंचते पहुंचते उस दिन 1 बज गया था, करीब 12:30-1 बज गए थे, इसलिए मैंने आगे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। इसलिए मैं इसी वीडियो में ही बता दे रही हूँ यहाँ तक ही हमारा वीडियो होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे सो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक एंड शेयर कर देना प्लीज़ गाइस, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। और देखिए मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी, देखिए। और गाइस उस दिन 12,000 का बिल बना था, 6,000 हमारा और 6,000 उनका, टोटल 12,000। ओके गाइस यहाँ पे एंड करती हूँ वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करना, बाय, टेक केयर।